देसी दारू, और इसको लेकर हम लोगों का जो सोचने का तरीका है ये बहुत गलत है। हम लोग कोई भी ऑकेशन में, कोई भी फेस्टिवल में देसी दारू नहीं पीते हैं। हम लोग सोचते हैं कि देसी दारू पीना बहुत बेकार बात है। देसी दारू मोस्टली जहरीले होते हैं, देसी दारू पीने से सेहत खराब हो सकता है, देसी दारू के बारे में न जाने क्या क्या हम लोग सोच के रखे हैं। और इसके पीछे मैं जिम्मेदार मानता हूँ इंडियन मूवीज को, वहाँ पर देसी दारू को बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है। इवन ये कंसेप्शलाइज्ड हो चुका है कि देसी दारू शायद अच्छा नहीं होता है, बट मैं ये नहीं मानता हूँ। आज इस वीडियो के जरिए मैं ये साबित कर दूंगा कि आप कहीं ना कहीं देसी दारू को कोई अलग फॉर्म में पी रहे हैं। जी हाँ, मैं ये साबित कर दूंगा। पहले ये एक बात बता दूं कि ये जो देसी दारू है इसको कहा जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट, और ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट इसका और एक नाम है न्यूट्रल स्पिरिट, और न्यूट्रल ग्रेन स्पिरिट भी इसका नाम है। और ये जो न्यूट्रल ग्रेन स्पिरिट है इससे ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, मतलब ये सारा जो ब्रांड है ये सब बनते हैं। फ्रेंड गलत ये सब कंपनी नहीं कर रहा है, एकदम जेन्युइन व्हिस्की बना रहा है, बट आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में देसी दारू को ही पी रहे हो। हालांकि कोई अगर आपको बोलता है कि मैं देसी दारू पिया हूँ तो आप उसको बहुत गलत नज़र से भी देखते हो, जो गलत है। चलिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड, बने रहिए, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि आप भी देसी दारू ही पीते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा कि देसी दारू के बारे में हम लोग क्यों गलत सोचते हैं। देखिए देसी दारू जो है ये एक लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है, लाइसेंस्ड प्रोडक्ट मतलब अगर आपको देसी दारू खरीदना है तो आप दुकान में जाके पैसा देकर खरीद सकते हैं, कोई भी लाइसेंस दुकान में जाके या लाइसेंस शॉप में जाके। बट फ्रेंड देसी दारू के साथ हमेशा एक गलत चीज जुड़ जाता है, वो है जहरीली शराब, जिसको हम लोग इलीगली परचेस करते हैं। पाउच में आता है, कभी कभी हंडी में छुपके छुपा के विलेज पीपल सेल करता है। अब रूरल एरिया में जाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा कि छुपके छुपा के अल्कोहल को सेल किया जा रहा है। ये जो है, ये जो अल्कोहल हम लोग पीते हैं इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं देसी दारू बोलते हैं, बट ये एक्चुअली देसी दारू है नहीं, ये जहरीली शराब है। इसको जैसे और जिस तरीके से बनाया जाता है इससे इंसान मर सकता है, बट ये जो है इसी को कहते हैं देसी दारू, जो आपको जेन्युइनली एक लाइसेंस शॉप से मिलता है, और जो इसको बनाते हैं वो प्रॉपर एक्साइज लॉ को फॉलो करके जेन्युइन इंग्रेडिएंट्स यूज करके बनाते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि क्या है देसी दारू और क्या है ये सब विस्कीज, मतलब ये भी तो विस्कीज है ना, और इसको तो हम लोग देसी दारू बोलते नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश, है ना। अच्छा इसको हम लोग इंग्लिश क्यों बोलते हैं और इसको हम लोग देसी दारू क्यों बोलते हैं, आइए पहले इसको समझते हैं फिर मैं समझाऊंगा कि क्या चक्कर है। देखिए ये जो विस्कीज मेरे पास है इसका अगर इंग्रेडिएंट्स पढ़िएगा, देखिएगा कोई भी बॉटल उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखा रहेगा किससे बना है ये विस्की। अकॉर्डिंग टू FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कहा गया है कि अगर आप इंडिया में विस्कीज को सेल करेंगे तो आपको इंग्रेडिएंट्स लिखना पड़ेगा। आप बैक में जाइए और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिएगा लिखा है डीमिनरलाइज्ड वाटर एंड ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट इसमें मिक्स है, साथ में स्कॉच मॉल्ट विस्कीज। स्कॉच मॉल्ट विस्कीज मतलब स्कॉटलैंड से जो विस्कीज को मंगवाते हैं, और इसमें फ्लेवर को भी ऐड करके, कलर को ऐड करके ऐसा विस्की का शक्ल में इसको सेल किया जाता है और कहा जाता है कि ये विस्की है। फ्रेंड जो करता है कंपनी गलत नहीं है, ये एक्चुअली इंडिया में ऐसे ही विस्कीज को बनाया जाते हैं। मेरा जो मुद्दा है, आप जो बोलते हो कि मैं देशी पीता नहीं हूँ, तो मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं देसी जैसे बनता है वैसे ही बहुत सारा विस्कीज भी बनता है जो देसी से ही बनता है, मतलब रेक्टिफाइड स्पिरिट से बनता है। अगर आप ये बोलते हो कि मैं नहीं पीता हूँ तो ये गलत बोल रहे हो। इन सब विस्कीज को हम लोग बोलते हैं IMFL, इंडिया मेड फॉरेन लिकर। क्यों बोलते हैं इंडिया मेड फॉरेन लिकर, क्योंकि इसमें स्कॉटलैंड का विस्कीज को मिलाया जाता है, तो इसीलिए इंडिया मेड फॉरेन लिकर। बट इसको हम लोग देसी दारू क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फॉरेन लिकर को मिलाया नहीं जाता है, इसलिए ये IMFL नहीं है, ये IMCL है, इंडिया मेड कमर्शियल लिकर। तो फिर देसी दारू और
इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है? दो मेजर डिफरेंस है। एक है अल्कोहलिक परसेंटेज। अगर आप देसी दारू को पढ़िएगा तो देखिएगा यहाँ पर अल्कोहल परसेंटेज जो है 22.8% अल्कोहल वॉल्यूम है, और यहाँ पर जो है 40 एंड अबव है, मतलब 42.8% अल्कोहल वॉल्यूम है, मतलब ऑलमोस्ट डबल अल्कोहल है। ये एक मेजर फैक्टर है। और सेकंड जो है वह है फ्लेवर का। जी हाँ, इसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं करता है। हालांकि कुछ ब्रांड अभी निकल चुका है देसी दारू जहाँ पर फ्लेवर ऐड होता है, मोस्टली होता नहीं है, बट यहाँ पर फ्लेवर को ऐड किया जाता है। बट ये भी मैं बोल दूँ कि सब ब्रांड में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारा विस्की ब्रांड है इंडिया में मिल रहा है जहाँ पर नेचुरल फ्लेवर जो है विस्की का वही रखा गया है, उसमें एडिशनली कोई फ्लेवर को ऐड नहीं किया गया, बट कलर ऑलमोस्ट सब जगह ऐड होता है, सब विस्कीज में ऐड होते हैं। तो ये था दो बेसिक डिफरेंस। तो फिर देसी दारू बनता किससे है? मैं कहूंगा इट्स अ लोएस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल व्हिच इज फिट फॉर ह्यूमन बॉडी। मैं थोड़ा सा लो ग्रेड बोलूंगा एज कम्पेयर टू IMFL। और मैं ये भी बोलूंगा कि ये बनता है कोई भी फ्रूट से, कोई राइस से, मोलसेस से, ये सब ग्रेन से ही बनता है, जो यूजुअली उससे ही बनता है ये सारे के सारे विस्कीज, राम जीन, वोडका, टकीला, ब्रांडी, सारे के सारे IMFL। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि IMFL एंड देसी दारू दोनों ही टेक्निकली सेम है, क्योंकि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द क्वालिटी बेंचमार्क रेगुलेटर रिडिकुलसली दोनों को सेम मानते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम है IMFL के साथ देसी दारू का। सेम एग्रीकल्चर सोर्स को ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोलासेस, राइस, मोल, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं बता रहा था। और तोड़ मैं बोलूंगा कि प्रीमियम कंट्री लिकर नाइसली डिस्टिल्ड एंड हाईली प्यूरिफाइड होते हैं। कुछ देसी दारू मैन्युफैक्चरर अपना स्पिरिट को सेल भी करता है बिग IMFL मैन्युफैक्चरर्स को। जी हाँ, ये कंपनीज अपना ब्रांड तो बनाता ही है, पर पास पास ये इन सब IMFL ब्रांड को सेल भी करता है। और तो और ये अपना ब्रांड को ऐसे चीप तरीके से सेल क्यों करते हैं? देसी दारू क्यों इसको विस्की में कन्वर्ट करके सेल नहीं करते? इसके पीछे रीजन है टैक्स। जब तक आप इसको देसी दारू बोलेंगे और बोलकर सेल करेंगे तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स बहुत कम लेगा, और जैसे ही आप इसको बोलेंगे विस्की, वोडका, राम, जिन, टकीला या कुछ भी, तो आपको इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा। तो ब्रांड सोचता है कि भाई मैं खुश हूँ देसी दारू बोलकर। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि लैंसेट, द लैंसेट का नाम तो आपने सुना ही होगा, मेडिकल जर्नल द लैंसेट का ही कहना है कि नियरली 2/3 ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड इन इंडिया इज देसी दारू। ग्लोबस स्पिरिट ने मेंशन किया है कि इंडियाज देसी दारू मार्केट इज अबाउट 242 मिलियन केसेस, ओवर 30% ऑफ द बेवरेज इंडस्ट्री इन इंडिया। मतलब 30% मार्केट शेयर ये खुद लेके रखा हुआ है। और आप बोलते हो कि मैं पीता नहीं हूँ, एक बार इमेजिन करो, तो फिर पी रहा है कौन? सब पीते हैं बट बोलते नहीं है। ग्रोथ रेट का अगर बात करूँ तो 7% पर एनम। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्यों उसको सेम मानता है? इसके पीछे एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में IMFL एंड देसी दारू दोनों ही यूज करते हैं कमर्शियल रिएक्टिंग एंजाइम एंड मल्टी कलम डिस्टिलेशन। बेसिक लेवल में स्टैंडर्ड डिस्टिलेशन इक्विपमेंट को ही यूज किया जाता है स्पिरिट को रेक्टिफाई करने के लिए, और फर्दर उसको रीडिस्टिल किया जाता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाने के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू BIS स्टैंडर्ड, कंट्री लिकर और देसी दारू एक रेक्टिफाइड ग्रेड 1 स्पिरिट में काउंट होता है, जो फेयरली हाई डिग्री में डिस्टिल किया जाता है और काफी मिनिमाइज करता है इम्प्यूरिटी लेवल को भी। सो अकॉर्डिंग टू BIS इट इज अ ग्रेड 1 रेक्टिफाइड स्पिरिट, और ग्रेड 1 रेक्टिफाइड स्पिरिट को हम लोग न्यूट्रल स्पिरिट भी मानते हैं। तो अगर आपको इन सब बॉटल में न्यूट्रल स्पिरिट दिख जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सेम है कि आप भी देसी दारू कहीं ना कहीं कंज्यूम कर ही रहे हो। तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि देसी दारू को हम लोग फिर नफरत क्यों करते हैं? हम लोग क्यों इसको वही प्यार देते नहीं है जो प्यार हम लोग इन सब ब्रांड को देते हैं? हालांकि बना तो इसी से ही है ना। तो यहां पर आता है जहरीली शराब का बात। जी हाँ, हम लोग अक्सर देसी दारू को जहरीली शराब के साथ कंपेयर कर लेते हैं। हम लोग अनलाइसेंस्ड जगहों से जब
नकली दारू और शराब को खरीद लेते हैं और पी लेते हैं, और जब कुछ गड़बड़ हो जाता है तब हम लोग डायरेक्ट देसी दारू को ही बदनाम करते हैं। देसी दारू को अगर आपको खरीदना है तो आप कोई भी लाइसेंस दुकान में जाइए और जाके आराम से खरीदिए। सब प्रोटोकॉल को मेंटेन करके ही देसी दारू को बनाया जाता है, कोई गलत नहीं है। फ्रेंड, मैं और एक बात बताऊंगा कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है और ये आई बटन में क्लिक भी हो रहा है, आप जाके देख सकते हैं। ये जो जहरीली शराब है इसके ऊपर देखिए, देश में मतलब कंट्री में आपको महुआ लिकर मिलता है, आपको ताड़ी टॉडी ऐसे बहुत सारा यू नो अल्कोहल मिलता है, बट वो सब अगर इल्लीगल तरीके से बनाया जा रहा है तो आप जान लीजिए जो इक्विपमेंट को यूज़ किया जाता है, जो तरीके से उन सब अल्कोहल को बनाया जाता है वो बहुत खतरनाक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए वो बहुत हानिकारक है हम लोगों के लिए। हम अगर वहाँ से खरीदेंगे तो हम खुद रिस्क ले रहे हैं शरीर के साथ, बट इसको अगर आप पीजिएगा तो ये उतना हानिकारक नहीं है। बट फ्रेंड, मैं बिल्कुल एक बात तो बोलूँगा कि इसका जो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत मतलब चीप लेवल का है, बट इनका जो क्वालिटी ऑफ ग्रेन है वो बहुत हाई लेवल का होता है। बहुत सारा अंतर तो है ये मानना पड़ेगा, बट हम लोग जो देसी दारू के ऊपर जो हम लोग यू नो थॉट रखते हैं इसी के ऊपर ये वीडियो है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब ब्रांड देसी दारू से डायरेक्ट बनता है, प्रोसेस है, उन प्रोसेस को फॉलो करके बनाया जाता है। वो जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है उसी को एक्चुअली हम लोग देसी दारू ही बोलते हैं। तो वो था ये चीज़ जो है देसी दारू मतलब रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो आपका क्या कहना है देसी दारू के ऊपर कमेंट्स में लिखिएगा जरूर, मैं आंसर बिल्कुल करूंगा। तो फ्रेंड, आगे से होपफुली कि आप गलत नहीं सोचेंगे देसी दारू के ऊपर और एंजॉय करेंगे खुशी से। फ्रेंड, अक्सर आप फॉरेन कंट्री का देसी दारू को पिया करते हैं, जैसे कि टकीला, वो तो मेक्सिको का देसी दारू ही है ना। अमेरिकन बर्बन विस्की, वो भी तो अमेरिका का देसी दारू है ना। और जमैका का जो रम, वो भी तो जमैका का देसी दारू ही है ना। तो फिर इससे क्या गिला शिकवा। फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।